माँ सिंधु पट रानी समिति के तत्वावधान में आयोजित बैंथो उड़िया समाज के मिलन समारोह में भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। विधायक देवेंद्र यादव ने महिलाओं के कार्यों की सराहना करते हुए शासन की योजनाओं का लाभ लेने की अपील की। माँ सिंधु पाटरानी सेवा समिति द्वारा महिला उत्थान को लेकर निरंतर कार्य किया जा रहा है। इसी के तहत समिति द्वारा सेक्टर 7 में मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव शामिल हुए। यहां विधायक का स्वागत समिति पदाधिकारियों द्वारा पुष्पहार भेंट कर किया गया। विधायक देवेंद्र ने उपस्थित महिलाओं द्वारा महिला उत्थान को लेकर किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए महिलाओं को स्वावलंबी बनाने छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किए जा रहे रोजगार मूलक कार्यक्रमों से जुड़ने की अपील की। विधायक देवेंद्र ने उपस्थित महिलाओं से चर्चा की और उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों की मुक्त कंठ से सराहना की। धन्यवाद। बैठिए बैठिए आंटी जी, आप लोग बैठो बैठो बैठो, आप लोग सब लोग बैठो बैठिए। मंच पर उपस्थित आदरणीय निरंजन भैया, आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय समाज के वरिष्ठ जन, आदरणीय सभी मेरी माताएं, बहनें, बड़ी बहनें, आप सब लोगों को मैं आज इस महिला सशक्तिकरण के इस आयोजन की और मिलन समारोह के कार्यक्रम की बहुत सारी शुभकामनाएँ, बहुत सारी बधाई देता हूँ। श्री सिंधु पटरानी सेवा समिति जो आप महिलाओं की समिति है, जिसके माध्यम से आप लोग महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए कार्यक्रम आज आपने शुरुआत की है, ये बहुत अच्छी शुरुआत है। और मैं आप सबको शुभकामनाएं दूंगा कि आप लोग इतना अच्छे से संगठित होकर एक विषय की शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, मुझे ये लगता है कि मैंने जितना महसूस किया और समझा है, समाज में महिलाएं जो हैं, महिलाओं का योगदान जितना ज़्यादा बढ़ेगा वो समाज में सामने। इस अवसर पर उपस्थित पार्षद और नगर पालिक निगम भिलाई के MSC मेंबर केशव चौबे एवं बैंथो उड़िया समाज के संरक्षक निरंजन बिसाई ने अपनी प्रतिक्रिया दी। आज माँ श्री सिंधु पटरानी सेवा समिति द्वारा नारी शक्ति मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बैंथोड़ा समाज की महिलाओं ने समिति का गठन कर समाज के उत्थान के लिए, समाज के उज्ज्वल भविष्य के लिए, समाज की महिलाओं को जागरूक करने का बीड़ा उठाया है। और बड़े उत्साह के साथ आज आप देख रहे हैं, सब एक ड्रेस कोड में एक साथ एकजुट होकर बड़े उत्साह के साथ इस कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं। और हमारे मुख्य अतिथि के रूप में भिलाई के माननीय विधायक श्री देवेंद्र यादव जी उपस्थित हुए। अपना नाम परिचय बता दीजिए। मैं निरंजन बिसाई, जिला महामंत्री, कांग्रेस कमेटी, बैंथोड़िया समाज का संरक्षक। नमस्कार। माँ श्री सिंधु पटरानी सेवा समिति बैंथोड़िया समाज की महिलाओं द्वारा लगातार यहाँ सामाजिक कार्यक्रम किया जा रहा है, जो काफ़ी जागरूक है। और मुझे भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। यह कार्यक्रम लगातार हमारे साथी श्री निरंजन बिसाई के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। मैं सभी महिलाओं से, नारी शक्ति से अपील करता हूं, वे भी एकजुट होवें और हमारी भूपेश सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है, जो नारी शक्ति है, वे सब एकजुट होकर के भूपेश सरकार की योजनाओं का लाभ उठाएं। धन्यवाद। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित हुई। यहां महिलाओं के बीच विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित हुई, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी दी। विजेता प्रतिभागियों का सम्मान समाज के पदाधिकारियों द्वारा किया गया। इस अवसर पर माँ सिंधु पाटरानी सेवा समिति के सभी पदाधिकारी उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे।